नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज के इस वीडियो में मैं कुछ बताने वाला हूं मस्त तरीका। क्या ट्रिक बताने वाला हूं देख लीजिए। सबसे पहले मैं बताता हूं ट्रिक का डेमो किस तरह से बताऊंगा, फिर किस तरह से किया हूं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि देखिए यहां पे क्या है, कुछ यहां पे सीरियल नंबर लिखा हुआ और यहां पे जो है उसका जो है डेट और टाइम आपके पास आ चुका है, ठीक है। अगर मैं यहां पे नेक्स्ट में एक नंबर एंट्री करता हूं तो यहां पे जो है नेक्स्ट में जो है अभी का जो है टाइम और आज का जो डेट है वो सभी ऑटोमेटिक आ गया। नेक्स्ट रो में आप जैसे ही यहां पे एंट्री करते हो, देखिए यहां पे जो है अभी का टाइम और ये डेट जो है ऑटोमेटिक आ जाता है। इतना ही नहीं, इसके बाद भी एक मेन स्पेशल ट्रिक बनाऊंगा। जैसे कि आप किसी भी डेट को आप मॉडिफाई करोगे तो उसका भी जो है आपको टाइमिंग वहां पे चेंज होता हुआ नजर आएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक सीट है और यहाँ पे देखिए आपका कुछ नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और इस नंबर को मैं अभी मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मॉडिफाई किया, अभी देखिए यहाँ पे टाइमिंग कुछ अलग है और यहाँ पे देखिए एंट्री किया और जैसे मॉडिफाई किया, मॉडिफाई का जो है टाइमिंग, किस टाइम मॉडिफाई किया हूं वो टाइमिंग जो है यहाँ पे आ जाएगा, वो भी चीज देखूंगा। और ये दोनों चीज एक बताऊंगा आपको मॉडिफाई नहीं करने का तरीका। अभी देखिए इस फॉर्मूले में मैं यहाँ पे अगर कुछ भी मॉडिफाई करता हूँ तो यहाँ पे टाइमिंग चेंज नहीं हो रहा है, आपका जो फर्स्ट एंट्री है वही जो है यहाँ पे टाइमिंग रहेगा, दूसरा टाइमिंग नहीं रहेगा। तो इस टाइप का जो है फॉर्मूला जो कि मैं आपके लिए लाया हूँ वो किस तरह से यूज करेंगे पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए चलते हैं, यही चीज मैं आपको एक न्यू सीट में बताऊंगा। क्या है न्यू सीट में, देखिए मैं इसको क्या करूंगा, एक न्यू सीट न्यू वर्क आपके लिए ले रहा हूं। यहां पे ये पूरा फ्रेश बुक है, ठीक है। और इसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको जाना पड़ेगा यहां पर फाइल में और यहां पर जाना पड़ेगा ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेप क्या है, आप फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद कहां गए, ऑप्शन में गए, ऑप्शन में जाने के बाद यहां पे एक फॉर्मूला करके आपको आएगा, एक्सेल ऑप्शन में आता है फॉर्मूला। आपको क्या करना है, फॉर्मूला पे क्लिक करना है। यहां पे फॉर्मूला पे क्लिक करने के बाद देखिए यहां पे एक ऑप्शन है एनेबल इंटरेक्टिव कैलकुलेशन। तो आपको क्या काम करना है, ये जो एनेबल इंटरेक्टिव कैलकुलेशन है इसे क्या करना है, टिक कर देना है। क्या किया मैंने, देखिए फॉर्मूला में जाने के बाद यहाँ पे एनेबल इंटरेक्टिव कैलकुलेशन, इसको क्या किया, एक्टिव कर दिया। ओके, एक्टिव करने के बाद यहाँ पे जैसा ही एक्टिव कर दिया, एक्टिव करने के बाद इसको आप कर दो ओके, ठीक है। इतना होने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे कॉलम बी में जो है एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को मैं क्या करता हूँ, कॉपी किया हूं मैं, इस फॉर्मूला को यहाँ पे पेस्ट करूंगा। क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूं। यहाँ पे जो है आपको एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, ये फॉर्मूला को आपको क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है आप देख चुके हो, यहां से मैं कंट्रोल सी लेके इसको जो है कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद जो है इसे इस सीट के यहां पे जो है क्या करना है, इसको जस्ट पेस्ट करना है। फॉर्मूला को क्या किया, पेस्ट कर दिया और इसको कर दिया एंटर। तो देखिए अभी क्या है, ब्लैंक है, यहाँ पे मैं वन लिख रहा हूं, तो देखिए यहाँ पे जो है अभी जो है यहाँ पे फॉर्मेट में कुछ आ चुका है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और ताकि आपको इजी वे में दिखाई दे, तो यहाँ पे इसे मैं 20 कर दे रहा हूँ ओके। लेकिन अभी क्या है कि आपका जो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे कुछ अलग फॉर्मेट है, तो आप क्या कीजिए, इसको राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो है सेल फॉर्मेट है ना, सेल फॉर्मेट में अभी आपको क्या चाहिए, इस सेल में क्या चाहिए, डेट चाहिए या टाइमिंग चाहिए, आपको दोनों चीज मिलता है, ठीक है। आपको डेट चाहिए तो यहाँ के पे जो है डेट जो है आप डेट के साथ टाइमिंग के अनुसार जो भी है आप यहाँ पे इसको ओके कर दो, तो यहाँ पे जो आपका जो फॉर्मेट है डेट एंड टाइम दोनों है यहाँ पे आ चुका है। अभी क्या करना, मुझे बस यही फॉर्मूला को बस ड्रैग कर देना है और कुछ नहीं करना, जितना भी चाहिए आप ड्रैग करके छोड़ दो, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, उसके बाद आप इस सेल में कुछ भी लिखो ना, ऑटोमेटिक जो है ये जाता रहेगा, ठीक है। इस सेल में आप जैसा भी लिखोगे ये सेल में जाता रहेगा। इसके लिए फॉर्मूला हमने क्या अप्लाई किया, ठीक है, वो आप देख लीजिए फॉर्मूला क्या अप्लाई किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूं।
ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला जो कि अप्लाई किया हूँ उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप यहाँ से देख सको। ठीक है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। क्या अप्लाई किया? ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। ठीक है, इस फॉर्मूला का क्या है डिटेल में जाना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिटेल में क्या है नहीं है, पूरा डिटेल में बात करूंगा। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया जो कि आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो इसके लिए अभी क्या है कि यहाँ पे अगर मैं कुछ न्यू एंट्री करता हूं तो यहाँ पे तो आ रहा है। अब क्या है कि यहाँ पे मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं, यहाँ पे जो इस एंट्री को जैसे 2 है यहाँ पे, मैं यहाँ पे 89 किया तो देखिए यहाँ पे 89 आ गया, लेकिन आपका जो ये डेट है ये प्रीवियस डेट ही है और वही टाइम है। अभी जो मैं चाहता हूँ क्या कि जैसे ही मैं सेल को अपडेट करूँ ना, डेटा जैसे ही अपडेट करूँ, आपका जो है टाइमिंग और डेट जिस डेट में आप मॉडिफाई किए हो वो डेट जो है ऑटोमेटिक आना चाहिए। समझ रहे हैं? मैं जैसे यहाँ पे मॉडिफाई करूं, यहाँ पे जो भी डेटा है इसको मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे डेट भी मॉडिफाई होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप तो जो भी कर रहे हैं वन टाइम एंट्री, जो जिस टाइम आप एंट्री किए हो वही टाइम आ रहा है, यहाँ पे मुझे मॉडिफाई भी करना है, मॉडिफाई भी करना है। मॉडिफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मॉडिफाई करने के लिए मैं एक न्यू फॉर्मूला की ओर जाऊंगा और यहाँ पे वो भी जाकर न्यू सीट में जाऊंगा और यहाँ पे मॉडिफाई करके करने वाला फॉर्मूला को मैं बता के दिखाता हूं। तो वही बात, सबसे पहला काम अगर आपने ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना, फॉर्मूला में जाने के बाद ध्यान रखिएगा एनेबल इंटरेक्टिव कैलकुलेशन, ये जो है आपका एक्टिवेट होना चाहिए। अगर ये एक्टिवेट है तो आपका सभी काम होगा सही से। ठीक है, इतना होने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, उसके लिए जो फॉर्मूला मैं क्रिएट किया हूं यहाँ पे, अगर आप मॉडिफाई करने के लिए जो है फॉर्मूला जो क्रिएट किया हूं वो फॉर्मूला आप देख लीजिए क्या है। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, वो फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ यहाँ से। वो फॉर्मूला क्या है, आपको इतना बड़ा फॉर्मूला, बहुत बड़ा फॉर्मूला है लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा, इसके बारे में भी देखेंगे क्या है नहीं है, पूरा बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को मैं यूज किया हूं उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये पूरा फॉर्मूला को मैं क्या कर रहा हूं, कॉपी कर ले रहा हूं। ठीक है, कॉपी कर लिया, आपको फास्ट आपके सामने स्क्रीन पे जो है फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करूंगा और कैसा काम करेगा वो भी मैं बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पे जो है सेल 2 में बस वो फॉर्मूला को मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया। ओके, अभी पेस्ट हो गया है, पेस्ट कर दिया, ओके एंटर कर देता हूं, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी एंट्री करता हूँ 1, तो देखिए अभी का जो है ये फॉर्मेट कुछ अलग सा है, इसको जो है आप सेल फॉर्मेट में जाके सेल में जाइए और फॉर्मेट सेल में जाने के बाद क्या है, आपको डेट में चाहिए या टाइमिंग चाहिए जो भी फॉर्मेट में है आप कर सकते हो। डेट एंड टाइमिंग चाहिए मुझे, यहां से आप जो है डेट एंड टाइम जो है आप अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिए और इसको कर दीजिए ओके। तो जो अभी मेरे का अभी जो मेरे रिकॉर्डिंग टाइम है 10:06:21 7:26 पे ये रिकॉर्डिंग हो रहा है और आपके पास ये दिखाई रहा है, ये फॉर्मूला यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या अप्लाई किया आप देख चुके हैं फॉर्मूला, ओके। अब यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसका भी सेल का वैल्यू थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि अच्छा सा दिखे, ओके। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला को ड्रैग कर दे रहा हूँ जहां तक आपको चाहिए, जस्ट ड्रैग कर दे रहा हूँ। लेकिन अभी क्या है, सभी में फॉर्मूला है, इसमें क्या है फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला है, अभी यहाँ पे आपका डेटा एंट्री नहीं है तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला आपका ऐसा ही है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ और भी एंट्री कर रहा हूँ, देखिए नेक्स्ट टाइमिंग का टाइमिंग भी यहाँ पे देखिए चेंज हुआ है, आपका जो टाइमिंग है डेट है यहाँ पे टाइमिंग भी चेंज हुआ है, एंट्री टाइम आप जिस टाइम में करोगे वही यहाँ पे आपका उस टाइम में चेंज होगा। इससे पहले के फॉर्मूला में हमने क्या देखा, आप इसको मॉडिफाई कर रहे थे डेटा लेकिन यहाँ का जो है टाइम जो है अपडेट नहीं हो रहा था। ठीक है, मैंने इसमें क्या बताया कि आपको जिस तरह ही आप डेटा को अपडेट करोगे, अपडेट करने के बाद जो है आपका डेटा का
टाइमिंग भी अपडेट होना चाहिए। उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला दिया आपको। अगर आप देखिए यहाँ पे, जैसे ही आप यहाँ पे 1 है, मैं यहाँ पे 56 या कुछ भी और लिख देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे टाइमिंग क्या है, 7:26, लेकिन जैसे ही आप एंट्री कीजिएगा तो देखिए 7:27, जो कि अभी का टाइमिंग है वो जो है ऑटोमेटिक मॉडिफाई हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पे जो है 7:27 में मैंने ये डेटा लिया, अभी इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। इसको जैसे ही आप मॉडिफाई किया, एंट्री किया, देखिए अभी का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो किस तरह से हमने एक डेटा को टू फॉर्मूला के हेल्प से अपने डेटा को किस तरह से मॉडिफाई किया, किस तरह से ऑटोमेटिक जो है आपका फॉर्मूला आ रहा है। हमने यहां पे VBA भी यूज नहीं किया है, कुछ भी यूज नहीं किया है। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस डेटा को जो है आप जो फॉर्मूला लगाए हैं, इस फॉर्मूला को किस तरह से हाइड करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।